हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सुनाने वाले हैं आपको हाथी और सियार की कहानी। एक जंगल में एक हाथी और एक सियार रहता था। जंगल में सियार भूख से इधर उधर भटक रहा था। वन में घूमते घूमते सियार एक जगह पर आया जहां उसने हाथी को देखा। हाथी को देखते ही सियार के मुंह में पानी आ गया। सियार हाथी को खाने के बारे में सोचने लगा। यह सोचकर सियार हाथी के पास गया। हाथी के पास जाकर सियार बोला, हाथी इस जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, लेकिन कोई भी जानवर आपसे ज़्यादा बड़ा और समझदार जानवर नहीं है। क्या आप जंगल का राजा बनना पसंद करोगे? सियार की यह बात हाथी को अच्छी लगी। हाथी ने सियार को जंगल का राजा बनने के लिए हाँ बोल दिया। हाथी के हाँ बोलने पर सियार ने बोला, आप मेरे साथ चलो। खुशी से फूला न समा रहा हाथी सियार के साथ चल दिया। सियार हाथी को एक तालाब के पास ले गया। सियार बोला, आप तालाब में नहाने के लिए उतर जाओ। तालाब में बहुत ही दलदल था। राजा बनने की खुशी में हाथी तालाब में उतर गया। तालाब में उतरने ही हाथी धंसने लगा। हाथी सियार से बोला कि ये तुम मुझे कैसे तालाब में ले आए, मैं इसमें धंसता ही जा रहा हूँ। सियार यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। सियार बोला कि मैं तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें इस तालाब में लाया। यह सुनकर हाथी मायूस होकर रोने लगा। हाथी ने तालाब से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। धीरे धीरे हाथी दलदल में धंसने लगा। हाथी को दलदल में फंसा देख सियार हाथी को खाने के लिए तालाब में उतर गया, जिसके बाद सियार के साथ साथ हाथी भी दलदल में फंसकर मर गया। कहानी से सीख। उपरोक्त कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं भी उस गड्ढे में गिरता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।